सबसे पहले नमाज फजर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा की। हम जो फजर की नमाज अदा करते हैं और उसमें दो रकाते फर्ज पढ़ते हैं, इसकी हिकमत ये है कि फजर की नमाज सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने अदा की। जिस वक्त अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में उतारा, उस वक्त दुनिया में रात छाई हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की रोशनी से निकलकर दुनिया की इस तारीख और अंधेरी रात में दुनिया में तशरीफ लाए। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी परेशानी लाहिक हुई कि ये दुनिया इतनी अंधेरी है, यहाँ जिंदगी कैसे गुजरेगी? ना कोई चीज नजर आती है, ना कोई जगह समझ में आती है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चुनाचे खौफ महसूस होने लगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रोशनी होने लगी और सुबह का नूर चमकने लगा। फिर सुबह सादिक जाहिर हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने सूरज निकलने से पहले दो रकातें बतौर शुक्राना अदा फरमाई, एक रात की तारीकी हटने के शुक्राने में और एक रकात दिन की रोशनी के निकलने में। ये दो रकातें अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फर्ज फरमा दिया। इससे अंदाजा लगाइए कि फजर की नमाज कितनी अहम है। इस हदीस को जितना हो सके शेयर करें, क्या पता तुम्हारी वजह से एक भी शख्स नमाज पढ़ना शुरू कर दे।